नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। हाल ही में देश को एक गोल्डन गिफ्ट मिला है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च कर दिया था। गांधीनगर के IFSC यानी इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ये स्थित है। अब तक देश में 52 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड IIBX से जुड़ चुके हैं। भारत भर से जुड़े इन क्वालिफाइड ज्वेलर्स में नागपुर से भैयाजी रामभाऊ रोकड़े ज्वेलर्स शामिल है। लॉन्चिंग के इस भव्य समारोह में संचालक राजेश रोकड़े भी उपस्थित थे। रोकड़े ज्वेलर्स नागपुर का एक जाना माना नाम है। गहनों के पर्याय बने इस प्रतिष्ठान ने IIBX से जुड़कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। राजेश रोकड़े ने बताया कि इससे भारत में बिकने वाले सोने का भाव यही तय होगा। इससे ज्वेलरी बाजार में उत्साह है। ये सरकार की एक सकारात्मक पहल है। भारत में सोने की खपत खूब होती है। अब भारतीय ज्वेलर्स और निर्यातकों को सोने की खरीदारी के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की ओर से तय होने वाले भाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत में बिकने वाले सोने का भाव यही तय होगा। IIBX का अर्थ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। बुलियन इम्पोर्ट IIBX के जरिए हो सकेगा। ज्येष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय शांतिलाल गांधी को छोटी बहन तथा जैन सेवा मंडल के अध्यक्ष दिलीप गांधी की बड़ी बहन एवं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना नागपुर अध्यक्ष राकेश गांधी की बुआ जी 66 वर्षीय मुमुश्री विमला देवी स्वरूप चंद भंडारी की जैन भागवती दीक्षा उदयपुर में युग निर्माता आचार्य राम मुनि जी के मुखारविंद से महासती मंजुला श्री जी की निश्रा में होने जा रही है। मुमुक्षी विमला देवी स्वरूप चंद भंडारी का उदयपुर प्रस्थान होने के पूर्व में गांधी परिवार की ओर से नागपुर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य सत्कार किया गया। इस अवसर पर कमलेश देवी गांधी, दिलीप गांधी, कल्पना देवी गांधी, राकेश गांधी, पूजा गांधी, श्वेता गांधी, स्वाति पितलिया, कपिल गांधी, यश गांधी, विद्युत पितलिया, सुपार्श्व गांधी आदि उपस्थित थे। सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में सादगी से बच्चों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 102वीं पुण्यतिथि मनाई। इस उपलक्ष्य में आयोजित सभा में स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने उन्हें नमन किया और कहा कि 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे बाल गंगाधर तिलक जी एक समाज सुधारक, राष्ट्रवादी और स्वतंत्र सेनानी थे। तिलक ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए दो प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र केसरी और मराठा दर्पण प्रकाशित किए। केसरी के दैनिक होने के बाद से उन्होंने भारत की जागृति और उपाधि पाई। उन्होंने गौहत्या विरोधी संघों, लाठी क्लबों और अखाड़ों की भी स्थापना की। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा का नारा हमें लोकमान्य तिलक ने ही दिया था। आधुनिक भारत के निर्माता एवं भारतीय क्रांति के जनक के नाम से भी उन्हें जानते हैं। उनके प्रयासों के कारण ही उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य जी ने अपनी आँखें सदा के लिए बंद कर ली। स्कूली विद्यार्थियों ने उनके जीवन पर आधारित सुविचार लिखे, रेखाचित्र तैयार किए तथा उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। संस्था अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना की। सांसद कृपाल तुमाने ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर देश भर के अनाथालयों में रहने वाली लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार से उठाने की मांग की। साथ ही कहा कि लड़कियों को 18 साल बाद भी शादी तक अनाथालय में रहने दिया जाए। इस पर गृह मंत्री शाह ने तुमाने को आश्वासन दिया कि सरकार अनाथ बच्चियों के मुद्दे को लेकर गंभीर है और जाति के आधार पर इस मामले पर ध्यान देगी। सांसद तुमाने ने बताया कि देश में करीब 3.5 करोड़ बच्चे अनाथ हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। नीति आयोग ने अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया है और इस बारे में जानकारी भी एकत्र नहीं की है। भारत में अनाथों के बारे में कोई जानकारी यूनिसेफ की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। अनाथालय पूरे देश में गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। उनमें से कुछ को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। अनाथों को 18 साल की उम्र होने पर अनाथालय छोड़ना पड़ता है। इसके बाद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर लड़कियों की हालत और खराब हो जाती है। अतः अनाथ लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी सरकार उठाए, ये मांग गृह मंत्री अमित शाह से सांसद तुमाने ने की है। सर्वोच्च न्यायालय से OBC आरक्षण को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने भले ही चुनाव पूर्व तैयारियां लगभग पूरी कर ली हो, लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अब फिर से महानगर पालिकाओं में सदस्य संख्या को लेकर नए फैसले होने से राजनीतिक भूचाल आ गया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार
नागपुर महानगर पालिका में सदस्यों की संख्या पर तो किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, किंतु 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति होने की संभावना के चलते प्रभागों की संख्या निश्चित ही कम होने की जानकारी सूत्रों से मिली है। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार जिन महानगर पालिका की जनसंख्या 24 लाख से 30 लाख के बीच है, उनकी सदस्य संख्या 151 से 161 के बीच होगी। नागपुर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा उजागर जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुर सिटी की जनसंख्या 24,47,494 है। यही कारण है कि नागपुर महानगर पालिका में सदस्य संख्या में किसी तरह का परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मनपा की सदस्य संख्या निर्धारित करने को लेकर हुए फैसले की जानकारी पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। अब सिटी में कोरोना, डेंगू के साथ ही स्वाइन फ्लू भी फैलता जा रहा है। इस बीच 3 संदिग्ध मरीजों की मौत की जानकारी मिली है। इसके साथ ही प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। त्योहारी सीजन में संक्रामक बीमारियों के फैलने से चिंता बढ़ गई है। इसी बीच मौत के कारणों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय ने मृत्यु विश्लेषण समिति की बैठक बुलाई है। सिटी में स्वाइन फ्लू फैलता जा रहा है। अब तक पूर्व विदर्भ में 70 स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं। वहीं 3 लोगों की मौतें हुई है, लेकिन इसकी प्रशासकीय स्तर पर पुष्टि नहीं की गई। इनमें 1 महिला और 2 पुरुषों का समावेश है। अब मौत के कारणों का पता लगाने के लिए डेथ ऑडिट कमेटी ने 4 अगस्त को बैठक बुलाई है। मनपा स्वास्थ्य विभाग के वैद्यकीय अधिकारी, स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय के वैद्यकीय विशेषज्ञ सहित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की टीम भी शामिल होगी। केस पेपर के आधार पर मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाएगा। माता व बाल मृत्यु के संदर्भ में समिति की हर माह को बैठक होगी, लेकिन संक्रमित बीमारियों से मौत पर समिति की मुहर अनिवार्य होती है। श्री दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल द्वारा संचालित MB कॉन्वेंट हाई स्कूल में विभा फाउंडेशन एंड यूथ फॉर सेवा संस्था के माध्यम से स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा MB कॉन्वेंट हाई स्कूल में कक्षा KG से लेकर कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं का जनरल चेकअप किया गया। जिन बच्चों को बुखार या अन्य बीमारी के लक्षण पाए गए, उन्हें डॉक्टर द्वारा दवाई दी गई। श्री दोसर वैश्य शैक्षणिक मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता एवं सचिव दीपक गुप्ता द्वारा स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर का डॉक्टर प्रदीप जोशी, डॉक्टर सुनील साठो ने, डॉक्टर मोहन सुरके, डॉक्टर रोहिणी समर्थ, डॉक्टर प्रशांत चौबे एवं विभा फाउंडेशन व यूथ फॉर सेवा के प्रमुख इंद्र कुमार अग्रवाल, अभिषेक मिश्रा एवं उनके टीम का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शैक्षणिक मंडल के कोषाध्यक्ष अविनाश गुप्ता, उपाध्यक्ष शीला गुप्ता, उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, सहसचिव नंदकिशोर गुप्ता, राजेश गुप्ता, MB कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य सपना खमेले, मॉर्निंग हेड सुष्मिता गंगवानी, मुख्य लिपिक नारायण नाखले, अकाउंटेंट कृष्ण कुमार व्यास सहित स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। हाल ही में हिवरीनगर मारवाड़ी सखी मंडल 2022-23 के लिए नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्षा रूपा बजाज की उपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में संतोष बड़ोला, उपाध्यक्षा स्नेहा मालू, सचिव मीना लटूरिया, सह सचिव रजनी साबू, कोषाध्यक्षा मृदुला भट्टर, प्रचार प्रसार मंत्री कोमल काबरा का चयन हुआ। कार्यकारिणी सदस्यों के पद पर विद्या सारड़ा, रचना भूतड़ा, पूजा बजाज, ज्योति बियानी, पूनम झंवर, हेमा सारड़ा, नीलू सोनी, ज्योति बजाज, संगीता बजाज, जया तोतला, कल्पना मुंदड़ा चुने गए हैं। प्रचार मंत्री कोमल काबरा द्वारा इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में वर्ष 2022-23 की मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की प्रथम बैठक मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक व उपाध्यक्ष GV जगताप, समिति के सचिव व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रविश कुमार सिंह, सहायक वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र तिवारी व अविनाश कुमार आनंद सहित मंडल के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक में समिति के सदस्य अरुण रहांगडाले, विवेक अग्निहोत्री, जसपाल सिंह चावला, प्रफुल्ल श्रीधर वैद्य, मोनिल जैन, सेवक कार्य मुरे, नारायण अग्रवाल, राजेंद्र पाठक, अमर वाड़ोदे, आनंद कुमार कारिया, संजय सिंह, संतोष यादव, घनश्याम अग्रवाल, अर्चना ठाकुर तथा नंदा लोहबरे वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे। नए सदस्यों के साथ परिचय के उपरांत मनिंदर उप्पल मंडल रेल प्रबंधक ने सभी आमंत्रित सदस्यों का स्वागत कर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि समिति अपने कार्यकाल के दौरान रेल सेवा में सुधार लाएगी तथा गाड़ियों की बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्यरत रहेगी। उन्होंने नागपुर मंडल की उपलब्धियां तथा यात्री सुविधाओं से संबंधित जानकारी साझा की।
मंडल में जारी विकास कार्यों, माल लदान, टिकट चेकिंग, संरक्षा व सुरक्षा संबंधी कार्यों सहित स्टेशन में किए जाने यात्री सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। क्रांति सिंह नाना पाटिल की जयंती के अवसर पर सिविल लाइन स्थित मनपा मुख्यालय में उनका अभिवादन किया गया। वे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में समांतर सरकार के साथ प्रयोग करके और सक्रिय रूप से बहुजन समाज को विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने ग्रामीण लोगों में आज़ादी की चाह पैदा की। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा मनपा के प्रशासनिक भवन के हॉल में क्रांति सिंह नाना पाटिल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त दीपक कुमार मीणा, राम जोशी, उपायुक्त रविंद्र भिलावे, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, विजय हुमणे, सहायक आयुक्त प्रकाश वराड़े और महेश धामेचा के साथ शहनाज हसन, सुषमा राउत, वंदना महल्ले, सुचिता मावले, आशा माने और पापड़कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। वाड़ी स्थित बांके बिहारी मंदिर में सतत भजन कीर्तन, श्रीमद भागवत रामायण कथा आदि अनेक भक्ति से प्रफुल्ल कार्यक्रम बांके बिहारी मंदिर के संचालक तथा सनराइज पीस मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरगोविंद मुरारका के सौजन्य से होते रहते हैं। उनकी माता की विशेष प्रेरणा से मंदिर की स्थापना 7.5 वर्ष पूर्व की गई थी। वहां पर दर्शन कर साक्षात मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की याद तरोताजा हो जाती है। मुरारका के कार्यों से प्रेरित होकर वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता ने मुरारका का सत्कार शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ देकर किया। उपरोक्त अवसर पर संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता तथा संस्था के मुख्य सलाहकार समिति के सदस्य संतोष गुप्ता उमर ने स्वागत कर सभी देवताओं की आरती तथा पूजन किया। सत्कार के उत्तर में योगी डॉक्टर हरगोविंद द्वारका ने देशवासियों को अपने दायित्वों का पालन कर हिंदू धर्म की रक्षा करने की अपील की। रामकृष्ण गुप्ता ने कहा कि ईश्वर की आराधना से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जुगल किशोर गुप्ता ने कहा कि मुरारका मानव कल्याण का कार्य तथा राष्ट्रहित का कार्य कर रहे हैं। मुरारका ने कहा कि वैश्य एकता परिषद के कार्य सराहनीय है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी ने अगस्त के अंत में आने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार को मनपा मुख्यालय के छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक भवन स्थित कमिश्नरेट हॉल में गणेशोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीणा, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त रविंद्र भिलावे, मिलिंद मेश्राम, विजय हुमणे, सहायक आयुक्त प्रकाश वराड़े, अधीक्षण अभियंता मनोज तालेवार, सहायक निदेशक प्रमोद गावंडे, उपायुक्त डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके, कार्यकारी अभियंता अजय मानकर, सहायक आयुक्त गणेश राठौड़, हरीश राउत, घनश्याम पंद्रे, सहायक आयुक्त किरण बागड़े, खेल अधिकारी पीयूष आंबुलकर आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार ने इस साल गणेशोत्सव पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले को नागपुर शहर में भी लागू किया जाएगा, लेकिन प्रतिबंध न होने पर भी नगर आयुक्त ने अपील की है कि नागरिक स्वयं अनुशासित होकर इस बात का ध्यान रखें कि घर में भगवान गणेश की मूर्तियां 2 फीट से ज्यादा ऊंची ना हो। खापरखेड़ा स्थित चनकापुर जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में चितोली स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कीटकजन्य व जलजन्य रोगों के बारे में जन जागृति अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कीटकजन्य व जलजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत संबंधित रोगों में से होने वाले डेंगू ताप, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया व सैंडफ्लाई मार्फत प्रसारित होने वाले चंडीपुरा एवं पिसवा के जरिए होने वाले प्लेग, इन रोगों के नियंत्रण के लिए शासन स्तर पर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नितिन खांडेकर, इनके मार्गदर्शन में स्कूल और जिला परिषद स्कूलों में स्वास्थ्य सेवक गौतम खबरागड़े, इन्होंने कीटकजन्य व जलजन्य रोग संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। उसी प्रकार 18 साल के ऊपर सभी नागरिक एवं विद्यार्थी युवाओं ने कोविड-19 बूस्टर डोज भी लेने के लिए अपील की। कार्यक्रम के दौरान कोटा उपकेंद्र की स्वास्थ्य सेविका शुभांगी काकड़े, आशा वर्कर भाग्यश्री दांगड़े, स्कूल के शिक्षक शेंडे भेंडे सर की उपस्थिति रही। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ के शास्त्र विद्या गुरु के प्रोफेसर जय श्रीनिवास, प्रोफेसर कार्तिक भागवत और प्रोफेसर राहुल कुमार झा की टीम ने राष्ट्रीय शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये प्रतियोगिता स्वामी नारायण गुरुकुल नीलकंठ धाम राजकोट संस्थान में सम्पन्न हुई।
इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। इनमें न्याय एवं वेदांतवादी तेनाली विद्वान प्रोफेसर जय श्रीनिवास, व्याकरण विशेषज्ञ प्रोफेसर कार्तिक भागवत और वेद वेदांग तज्ञ प्रोफेसर राहुल कुमार झा, इन तीन युवा प्रोफेसरों के समूह ने विभिन्न परीक्षाओं शास्त्रास्त्र के माध्यम से विज्ञान में अपनी दक्षता साबित की। इन तीनों प्राध्यापकों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर मधुसूदन पिन्ना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तेनाली के विद्वान प्रोफेसर जय श्रीनिवास न्याय वेदांत शास्त्र के विशेषज्ञ हैं और सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। प्रोफेसर कार्तिक भागवत व्याकरण के विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर राहुल कुमार झा पारंपरिक वेदों में पारंगत है और यज्ञ अनुष्ठानों में पारंगत है। शास्त्र विद्या गुरुकुल के निदेशक प्रोफेसर पराग जोशी के मार्गदर्शन में ये तीनों प्राध्यापक न्याय वेदांत विभिन्न वेदों व्याकरण के पाठ्यक्रमों को पढ़ने की पारंपरिक गुरुकुल पद्धति में शिक्षण शोध वेदों और यज्ञ अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं। रामटेक तालुका के आदिवासी नेता और भाजपा के नागपुर जिला ग्रामीण आदिवासी प्रकोष्ठ के महासचिव ज्ञानेश्वर ढोक को रामटेक तालुका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। 3 अगस्त को किराट समाज भवन रामटेक में आयोजित भाजपा की बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष अरविंद गजबी ने ज्ञानेश्वर ढोक की नियुक्ति की घोषणा की। इस अवसर पर उनके गले में भाजपा का दुपट्टा पहनाया गया और उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर जिला भाजपा महासचिव अविनाश खलटकर, किशोर रेवतकर, जिला आईटी सेल प्रमुख जोशी के साथ पूर्व नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख, पूर्व उपाध्यक्ष आलोक मानकर, जिला भाजपा उपाध्यक्ष संजय मुलमुले, तालुका भाजपा महासचिव नंदकिशोर कोहले, तेजपाल सोलंकी, देवलापार भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण केने, भजयुमो के धर्मेंद्र शुक्ला, पूर्व पार्षद वनमाला चौरागड़े, रजत गजबीये और बड़ी संख्या में रामटेक तालुका और शहर के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। दरअसल रामटेक एक आदिवासी बहुल तालुका है और आदिवासी समाज के ढोक के चुनाव से भाजपा में खुशी का माहौल है। ज्ञानेश्वर ढोक को अध्यक्ष चुने जाने पर हर क्षेत्र के लोगों ने बधाई दी है। सात फाउंडेशन की पहल से एवं नागपुर महानगर पालिका के सहयोग से निशुल्क वैक्सीन मेगा कैंप का आयोजन विदर्भ पटवारी संघ निकालस मंदिर के सामने पवारा चौक इतवारी में बुधवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया गया। कोविशील्ड कोवैक्सीन कैंप का निशुल्क आयोजन सात फाउंडेशन के अध्यक्ष राजू जैन के मार्गदर्शन में उनके मित्रों एवं परिजनों ने किया। इस कार्यक्रम में भारी मात्रा में लोगों का प्रतिसाद मिला। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दी और मंडल के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश व्यापारी सेल के मुखिया अतुल कोटेचा, सात फाउंडेशन के अध्यक्ष राजू जैन उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए अतुल कोटेचा ने कहा कि समाज सेवा में समर्पित सात फाउंडेशन आम जनता की सेवा में सदा तत्पर रहती है। संस्था ने लॉकडाउन में गरीबों को भोजन दान कर सही मायनों में ईश्वरीय सेवा की है। कोटेचा ने संस्था की ओर से सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में रिंकू जैन, बबलू जोशी, राजू पालीवाल, धर्मेंद्र ठाकुर प्रमुखता आदि सदस्यों का योगदान रहा। राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रभाग पद्धति में सुधार कर 4 सदस्यों का प्रभाग किया गया। भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा की गई भूल को अब शिंदे सरकार ने सुधार लिया है, क्योंकि 2011 से जनगणना न होने के बावजूद पिछली सरकार ने प्रभागों की संख्या में बढ़ोतरी की थी। पूरे राज्य में भाजपा सहित अनेक दूसरे पार्टियों ने पिछली सरकार के निर्णय पर शिकायत दर्ज करवाई थी। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए शिंदे फडणवीस सरकार ने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए 4 सदस्यों का प्रभाग घोषित किया है। दटके ने कहा कि नागपुर भाजपा में बूथ स्तर तक का प्रत्येक कार्यकर्ता हर प्रभाग पद्धति में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए योगदान देने में सक्षम है। शिंदे फडणवीस सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। विश्वविद्यालय ने इसी वर्ष अपने 44 स्नातकोत्तर शैक्षणिक विभागों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया है। स्वायत्तता मिलने से अब विभाग अपनी परीक्षा के साथ ही पाठ्यक्रम को समय समय पर अपडेट कर सकेंगे। हालांकि इससे गुणवत्ता तो बढ़ेगी, लेकिन मैन पावर की कमी के कारण अनेक चुनौतियां भी आएंगी। अनेक विभागों में नियमित प्राध्यापकों की संख्या उंगली पर गिनने लायक है। अंशकालीन प्राध्यापकों के भरोसे विभाग चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि विश्वविद्यालय के निर्णय पर ही सवाल उठने लगे हैं। विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव की शुरुआत 4 अगस्त से हो रही है। इस दौरान वर्ष भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई है। विश्वविद्यालय ने इस सत्र से नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। पीजी विभागों को स्वायत्तता अच्छी कदम है, लेकिन प्राध्यापकों की कमी गंभीर चुनौती बनेगी। रिक्त पद भरने के लिए एक और जहां सरकार गंभीर नहीं है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रयास भी नाकाफी है। विश्वविद्यालय की शान माने जाने वाले लक्ष्मी नारायण तकनीकी संस्था के स्वायत्तता का मामला अब तक अटका हुआ है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा ने सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। बुधवार सुबह मातंगापुरा पारशिवनी में मातंग समाज की ओर से साहित्य रत्न लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य पर स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा पर नगराध्यक्ष प्रतिभा कुंभलकर, उप विभागीय अभियंता प्रमोद मानमोड़े, समाज सेवक डॉक्टर इरफान अहमद, पुलिस उप निरीक्षक ज्ञानोबा पलनाटे, नगर सेविका सऊ अनिता भट्ट, नगर सेवक अविनाश भिंटे, इन्होंने दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। जयंती अवसर पर मान्यवरों द्वारा समाज बंधुओं को बधाई दी गई। इस मौके पर साहित्य सम्राट लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे के जीवन एवं कार्यों पर प्रकाश डाला गया, उनके लेखों को याद किया गया। लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे ने मातंग समाज की प्रगति के लिए काफी प्रयास किया और इसी की बदौलत आज इस समाज के लोग उच्च पदों पर है। उनके विचार देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त साबित हो रहे हैं। समाज के पिछड़े जातियों एवं गरीब लोगों को अन्नाभाऊ साठे द्वारा किया गया महान कार्य का अनुकरण करना जरूरी है। अन्नाभाऊ साठे के विचार देश के युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। समाज की भलाई के लिए लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे के विचारों को अपने आप में ढालना हर नागरिक एवं समाज बंधुओं का कर्तव्य है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।